हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो फिर से जो है एक नया व्लॉग स्टार्ट हो गया है, और ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर से। तो मैं ना आज दोपहर में लेटी थी तो थोड़ी सी ना आँख लग गई थी, क्योंकि 2 दिन से ना मेरी नींद पूरी नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर मैं लेटी थी तो देखिए डुगू ना मुझे यहाँ पर उठाने आया था, उसने आते ही लाइट जलाई जिससे मेरी आँख खुल गई थी। और यहाँ पर देखिए उसकी ना कुछ मस्ती से जो है उसको सूझ रही है, तो बस वो मुझे ना यहाँ पर बोल रहा है मम्मी उठ जाओ जल्दी से। तो 2 दिन से नींद क्या हो रही थी, वीडियो एडिटिंग और वॉइस ओवर के चक्कर में ना मुझे 12 बज जा रहे थे, और फिर जब 12 बज जाते हैं ना तो नींद अच्छे से आती नहीं है, और सुबह में भी बस आँख अपने टाइम पर खुल जाती थी, तो इस वजह से नींद, और दिन में मैं सोती नहीं हूँ तो नींद ना मतलब बची हुई थी 2 दिनों की। तो आज जब मैं लेटी थोड़ी देर के लिए तो बस मेरी आँख लग गई थी। तो यहाँ पर अब मैं उठ गई थी और टाइम हो गया था आई थिंक 4:15 बजे का टाइम रहा होगा। तो बस उठ के सबसे पहले पानी पिया, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है ना कि बस इस टाइम पर तो जो है ना पानी चाहिए होता है, वो भी ठंडा सा। तो हम मटके का पानी यूज़ करते हैं जो कि इतना अच्छा लगता है ना पीने में। तो यहाँ उठने के बाद मैंने बस थोड़ा सा बेड वगैरह को ठीक किया, और बेड ठीक कर ही रही थी कि डुगू यहाँ पर जो है ना अपना एप्पल लेकर आ गया था, तो वो एप्पल खा रहा था। और फिर उसके पापा भी यहाँ पर आ गए थे, और अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि देखिए उनकी ना थोड़ी सी दोनों की मस्ती स्टार्ट हो गई थी यहाँ। तो वो दोनों तो अपने लगे हुए थे रूम में, मैं आई बाहर और किचन में। सच में मतलब किचन में ना घुसने का मन नहीं कर रहा था, इतनी तेज़ धूप आ रही थी ना किचन में। तो मैंने आपको कई बार मतलब शेयर किया है कि 2-2.5 बजे के बाद से जो है ना मेरी किचन वाली बालकनी और जो डाइनिंग रूम वाली जो लिविंग रूम वाली बालकनी है ना उसमें धूप आने लगती है बहुत तेज़। तो आज तो मतलब इतनी बुरी हालत हो रही थी कि किचन में खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तो फिर मैं सोच रही थी कि इसका ना कुछ करना पड़ेगा जिससे कि धूप वगैरह ज़्यादा ना आए अंदर। तो देखते हैं इसका भी क्या करना है। और यहाँ पर ना बहुत लोगों ने कर्टेन लगा रखे हैं किचन में, मुझे कर्टेन लगाना ना सच में पर्सनली बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है किचन में। तो देखते हैं इसका क्या जुगाड़ निकालते हैं। और फिर किचन में क्योंकि जाने का मन नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि अभी जो कुछ भी बनाना है ना पीने के लिए वो बाद में बनाऊंगी। मैं यहाँ पर डुगू को लेकर बैठ गई थी उसको पढ़ाने के लिए, बड़ी मुश्किल से ना आज वो रेडी हुआ था। नहीं तो उसे स्टडी करने के लिए बोलो ना तो बस अपनी वो कलर वाली बुक लेकर आया था जब हम बाहर गए थे, उसे जो है ना ड्राइंग करने लगता है, उसमें कलर करने लगता है। बस आज बड़ी मुश्किल से जो है ना मैं उसे डिक्टेशन वगैरह कराने के लिए मैंने उसको बैठाया था, क्योंकि फिर जो है ना बिल्कुल आदत छूट जाती है बच्चों की। और फिर उसने हिंदी वाली डिक्टेशन तो कर ली थी, तब मैं आ गई किचन में। फिर तो अभी जो है ना गर्मी इतनी हो रही है ना तो चाय वगैरह पीने का तो मन बिल्कुल भी नहीं था। तो अभी मैंने यहाँ पर अपने और डुगू के लिए दोनों के लिए सिकंजी बनाई थी, जो कि जिसका मिक्सचर मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। तो बस इसे क्या करना है, आपको ग्लास में डालना है और इसमें थोड़ा सा नमक डालना है, साथ ही थोड़ा सा जीरा। और पुदीना जो है मुझे डालना बिल्कुल याद नहीं रहा जबकि मेरे पास था। और इसमें बस मैं यहाँ पर ठंडा पानी ऐड कर दूँगी, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक और पुदीना मतलब कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो सिकंजी वगैरह पी ली थी, फिर मैंने डुगू को जो है कंप्यूटर रीडिंग कराई थी, और फिर वो अपना कंप्यूटर उसको जो है ना कंप्यूटर के जो है ना पार्ट्स बनाकर मैम को लेकर जाने हैं स्कूल में, तो वो बनाने लगा था। मैं आ गई थी किचन में क्योंकि आज मतलब काफ़ी सारा काम था, मुझे घी बनाना था। तो सबसे पहले तो मैंने मलाई निकाल कर रखी फ्रिज से, और ये मैं कॉर्न लेकर आई थी, तो इनको मुझे बॉयल भी करना है, 2 दिन ऑलरेडी हो गए हैं इनको रखे हुए। तो डुगू को ना इस कॉर्न का जो सैलड मैं बनाकर देती हूँ उसे बहुत पसंद आता है, तो इसलिए मैं ना इसको बॉईल कर रही हूँ। और बॉईल करने से पहले ना मैं इसको चेक कर रही हूँ, क्योंकि इसमें से ना 2-3 मतलब कई बार मैंने नोटिस किया है कुछ जो इसके दाने होते हैं ना वो ख़राब से रहते हैं, तो इसलिए पहले मैंने उनको साफ़ कर लिया, और फिर पानी में एक बार मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था, उसके बाद मैंने इसको बॉईल होने के लिए रखा था। तो अभी सिकंजी पिए हुए ना आधा पौन घंटा हो चुका था हमें, तो अभी मैं सोच रही थी कि क्या मतलब खाया पिया जाए जो ठंडा सा हो। तो तभी मुझे फ्रिज में ना ये खीर दिखाई दी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की थी ना, बनाई थी कल शाम में, नहीं कल दिन में।
तो शाम में जो है डुगू की फ्रेंड आई थी, उसने खाई थी, डुगू ने और मैंने भी खाई थी, तो अभी यही रखी थी, तो मैंने सोचा चलो इसको ही जो है ना फिनिश कर लेते हैं। हस्बैंड ने एक दो चम्मच टेस्ट करके देख ली थी सिर्फ, क्योंकि उन्हें नहीं खानी थी और वो इस बार काफ़ी स्ट्रिक्ट है अपनी डाइट को लेकर। तो फिर डुगू ने भी नहीं खाई थी, मैंने उसे टेस्ट कराई बट उसने कहा नहीं मुझे नहीं खानी, तो फिर मुझे ही वो सारी खीर खानी पड़ी थी। और फिर जो मैं कपड़े जो मैंने कपड़े क्या मतलब सुबह में आज तो कपड़े वगैरह धुले नहीं थे, जो टॉवल वगैरह थे वही मैं उतार कर ले आई थी, और किचन में आकर देखा तो जो मेरे कोन थे वो बॉयल हो गए थे, और अभी लिविंग रूम के जो कर्टेन है ना वो मैंने इस साइड वाला थोड़ा सा ओपन खोल दिया है, जो येलो वाला है, क्योंकि इस टाइम पर ना इतनी ज़्यादा धूप आती है ना लिविंग रूम में बहुत तेज़, तो मैं ना इसलिए येलो वाले कर्टेन को मैंने थोड़ा सा खोल दिया था, जिससे डबल लेयर हो जाएगी ना तो धूप थोड़ी कम आएगी। और फिर कोन तो बॉईल हो ही गए थे, तो मैं उनको जो है यहाँ पर किचन में थोड़ा सा स्ट्रेनर में छानने आ गई थी, बट धूप इतनी हो रही थी ना किचन में कुछ भी करने का काम नहीं मन नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि पहले ना जो और काम है वो कर लेती हूँ, तो तब तक जो है धूप भी थोड़ी सी चली जाएगी। तो जो मैं ये कपड़े मैंने उतारे थे ना टॉवल वगैरह, इनको मैं फोल्ड करके रख दूँगी, और गर्मियों में ना मतलब मेरी जो मशीन है वो डेली लगती नहीं है, क्योंकि गर्मियों में कपड़े मतलब हो भी जाएं, सब ज़्यादा कपड़े होते हैं हमारे घर में डुगू के, क्योंकि वो खेलने जाता है तो उसके दिन में 2 से 3 जोड़ी हो ही जाते हैं, बट वही एक शॉर्ट और शर्ट या टी शर्ट होती है, तो 2-3 जोड़ी में भी इतने नहीं होते और कि डेली ही कपड़े लगें, और एक जोड़ी मेरे होते हैं एक जोड़ी हस्बैंड के, तो इसलिए गर्मियों में जो है ना मेरी मशीन बहुत मतलब कम लगती है डेली, मोस्टली 3रे दिन लगती है, और अगर जैसे बेडशीट वगैरह हो जाती है ना तब की बात अलग है, नहीं तो 3रे दिन ही जो है ना मशीन लगती है। और कपड़े वगैरह फोल्ड करके मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे अभी मलाई से घी बनाना था, तो यहाँ पर जो है हस्बैंड का आधा कटा हुआ एप्पल रखा था, मैं उसको रैप करके रख रही हूँ, और जो मलाई है वो अपने इस वाले बड़े भगोने में डाल लूँगी। और आज घी ने ना मुझे इतना ज़्यादा परेशान किया, इतना मैं आज तक परेशान नहीं हुई हूँ मतलब मक्खन बनाने के लिए, आज पता नहीं क्या था, गर्मी इतनी ज़्यादा थी या क्या था मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं ना वरना मैं मेरा जो घी है ना वो 1 मिनट भी नहीं लगती है, 1 से ज़्यादा 2 मिनट लग जाती है और बनकर रेडी हो जाता था मक्खन, बट आज पता नहीं क्या हो रहा था इसे, और मैंने ना इसमें आइस क्यूब भी डाली, मुझे लगा शायद गर्मी की वजह से, बट आइस क्यूब डालकर तो इसका और काम ख़राब हो गया था, ये बिल्कुल भी मतलब पहले तो थोड़ा बहुत लग भी रहा था कि मक्खन आ जाएगा, लेकिन आइस क्यूब डालते ही ना ये और मतलब गड़बड़ हो गया था, तो फिर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया कि इसमें बहुत सारा टाइम जाएगा, तो इससे अच्छा है कि मैं और काम कर लूँ। तो मैं यहाँ पर जो है ना पुदीना लेकर आई थी ना जब सब्ज़ी लेकर आई थी, तो वही सुखाया था, और आजकल तो धूप इतनी तेज़ है ना कि 1 दिन में ही पुदीना सूख जाता है, बट फिर भी मैंने 2 दिन की धूप लगा दी थी, और अभी पुदीने में ना आजकल जो पुदीना आता है उसमें ना बहुत मोटी मोटी डंडियाँ आती हैं, तो मैं बस वही डंडियाँ हटा रही हूँ, जो इसके सूखे हुए पत्ते हैं ना इनको मैं झाड़ कर इसमें रख दूँगी और फिर मिक्सी में पीस लूँगी, तो बहुत ही अच्छा सा एक जो है पुदीने का पाउडर बन जाता है। मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है, मेरे पास रखा है अभी भी, और मैं इसलिए ले आई थी कि अभी तो पुदीना आ रहा है तो जितना पाउडर हो सके बनाकर रख लेती हूँ, अच्छा होता है। और इसे आप मतलब पुदीने के पाउडर को रायते में, दही में या शिकंजी में किसी में भी डाल सकते हैं, अच्छा टेस्ट आता है। तो बस यहाँ पर मैंने जो है सारी पत्तियाँ निकाल ली थी और फिर मैंने जो है इसका पाउडर बना लिया था, और अभी मैं आपको टाइम दिखा रही थी कि 6:30 बज गए हैं, तो आज से जो है ना मेरे हस्बैंड ने अल्टीमेटम दे दिया था मुझे कि 7 बजे तक जो है ना उन्हें हर हाल में डिनर करना है, क्योंकि जो उनके डाइटिशियन है ना उन्होंने बोल दिया है कि आपको 7 बजे से पहले पहले डिनर कर लेना है, तो आज से मतलब उनका जो है डिनर 7 बजे तक बन जाना चाहिए, उन्होंने मुझे पहले ही वार्न कर दिया था। तो फिर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि लौकी बना लो, अगर लौकी रखी हुई है, तो लौकी आज मेरे घर में पता नहीं कितने दिन बाद बन रही है, मुझे खुद याद नहीं है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं लौकी को छीलने लगी थी, और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे ही सब्ज़ी खरीदनी आती, मैं जब भी लौकी लेकर आती हूँ ना पता नहीं क्यों अजीब सी निकलती है, या फिर यहाँ की लौकी ही ऐसी होती, कितनी भी मतलब कोशिश करके अच्छे से देख कर लाओ बट थोड़ी बहुत जो है ना वो ख़राब निकल ही जाती है। तो यहाँ पर लौकी के साथ ना मैंने थोड़े से एक आलू भी कट कर लिया था, क्योंकि मुझे लगा था कि सब्ज़ी ना कम रहेगी, और यहाँ पर प्याज और टमाटर भी मैंने कट कर लिया था, बट जो सब्ज़ी है ना वो थोड़ी एक्स्ट्रा ही हो गई थी।
तो अभी जो है बस सब्जी बनाने के लिए मैंने कुकर रख दिया था, और जैसे ही स्पाइस बॉक्स खोला उसमें से जो है ना मसाले ख़त्म हो गए थे। तो अभी जो है ना मैंने कुछ दिनों से अभी ये हैबिट बना ली है कि जितने भी ये पाउडर होते हैं ना वो सब मैं घर पर ही बनाती हूँ, जैसे जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर। तो धनिया पाउडर तो मुझे घर बनाते हुए आई थिंक 2-3 साल हो चुके हैं, और जीरा पाउडर भी मैं 1 साल से बना ही रही हूँ, बट गरम मसाला जो है मैंने फर्स्ट टाइम घर में बनाया था। और सच बताऊँ जो घर के बने हुए, घर के पिसे हुए मसाले होते हैं ना, उनकी खुशबू अलग ही होती है, उनका अरोमा ना आपको अलग ही लगेगा। तो मैंने तो जब से ये पाउडर घर पर बनाने स्टार्ट किए हैं ना, मैं बाज़ार से बिल्कुल नहीं मंगाती, और उनमें तो बिल्कुल भी मतलब फ्रेग्रेंस आती ही नहीं है मसालों की। तो मुझे ना अब ये घर में पिसे हुए ही पसंद आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बस मैंने जो है सब्जी में तड़का लगा दिया था, प्याज वगैरह सब भुन गई थी, अभी टमाटर डालकर नमक डाल दिया है, और टमाटर को गलने के लिए छोड़ देंगे। तो मैं बता रही थी ना कि सब्जी मुझे लग रही थी कि कम ना हो, बट काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि जब से कोरोना हुआ है ना, 2019 से आई थिंक, और 2023 आ गया है, मेरे हस्बैंड जो है ना रात में डिनर नहीं करते थे, आप समझ लीजिए 3-3 साल तो समझ ही लीजिए। तो रात में बस डुगो और मैं ही खाना खाते थे, तो मुझे ना बस वही थोड़ी सी सब्जी बनाने का आइडिया था, और हस्बैंड ने बोला तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं कम ना हो जाए, तो इसलिए मैंने आलू डाल लिए थे, और वो जो आलू डाले थे ना वो उतनी ही सब्जी जो है ना एक्स्ट्रा हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि वो लौकी ही बहुत होती। और यहाँ पर हस्बैंड के लिए रोटी के लिए मैं आटा गूंद रही हूँ, तो उनके लिए रागी का जो आटा होता है ना उसकी रोटी बन रही है। कई तरह के आटे मंगाए हैं उन्होंने, ज्वार का आटा है और रागी का है, तो अभी तो रागी के आटे की मैं रोटी बना रही हूँ उनके लिए। और इसे मतलब सिंगल बनाना तो बहुत मुश्किल है, तो इसलिए थोड़ा सा जो है गेहूं का आटा इसमें मिक्स करना ही पड़ता है, क्योंकि ये बिल्कुल ना जैसे कुट्टू का आटा होता है ऐसा होता है, इसकी रोटी जो है ना अच्छे से बनती नहीं है। तो हस्बैंड ने कहा कि थोड़ा सा जो है ना गेहूं का आटा इसमें मिला लो, जिससे कि रोटी सही बन जाए, फिर भी मतलब इतने अच्छे से नहीं बनती है, बस काम चलाऊ बनती है। तो यहाँ पर आटा मैंने रख दिया है, और अभी शाम हो गई थी, तो थोड़ी घर में लाइट वगैरह मैं ऑन कर रही हूँ। डिनर वगैरह तो सब हो चुका था हमारा, मैंने मतलब फिर वीडियो शूट नहीं की, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, तो सबका डिनर हो चुका था। और ये जो मतलब डिनर हो जाने के बाद की क्लिप है, तो मैंने जैसे बताई रही थी मक्खन ने बहुत मतलब आज परेशान किया, बड़ी मुश्किल से जो है ना मैंने क्या किया उसको, फिर जब उसमें मक्खन नहीं आ रहा था ना, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि शायद तुमने इसे जो है ना ज़्यादा ठंडा कर दिया, ज़्यादा आइस क्यूब डाल दिया है, क्योंकि ज़्यादा ठंडा हो तब भी घी नहीं आएगा, और गर्म हो तब भी नहीं आएगा। तो फिर मैंने ना उसे कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था, थोड़ा सा वो मतलब नॉर्मल साइड आया, तब उसमें जो है जाकर मक्खन आया था। तो फिर मैंने इतना खाना बना, मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था गैस पर, तो घी बनकर हो चुका था रेडी। और जिस दिन घी बनता है मुझे बहुत खुशी होती है, घी को देखकर लगता है कि चलो 15 दिन में इतना घी बना लिया है मैंने। किस किस को खुशी होती है अपना घी देखकर, कमेंट करके जरूर बताना। एंड ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, तो सुबह उठते ही बस काम शुरू हो जाते हैं, और सबसे पहले जो यूटेंसिल वगैरह रात में धुले हुए थे, ग्लास वगैरह वो रखे, और अभी जो है काउंटर टॉप को क्लीन कर रही हूँ। तो सुबह में भी ना बस ऐसा ही रहता है, हस्बैंड की डाइट की वजह से जो है ना मतलब उनका जो ब्रेकफास्ट है वो अलग टाइप का रहता है, सिर्फ डुगू और मैं ही जो है हम दोनों के लिए ही ब्रेकफास्ट बनता है। हस्बैंड तो मोस्टली एक फ्रूट और एक वेजिटेबल जो है खाते हैं मॉर्निंग में, या फिर स्मूदी पीते हैं। तो मैं ना काउंटर टॉप को क्लीन कर रही हूँ, और फिर उसके बाद जो है नाश्ते वगैरह की तैयारी करूँगी। डुगू से पूछ रही थी कि क्या खाना है, तो उसने बोला जो मम्मी बनाएंगी वही खा लूँगा। और उससे पहले जो है मैं यहाँ पर दूध पकने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि कल जो है ना 1.5 किलो दूध आया था जैसे आता है रेगुलर, बट अभी हस्बैंड जो है दूध नहीं पी रहे हैं, तो 1.5 किलो दूध ना हम तीनों के लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि डुग्गू भी एक टाइम पीता है और मैं भी एक ही टाइम पीती हूँ। तो
तो इसलिए ना ये 1.5 किलो तो कल का रखा था और आधा किलो हमने आज मंगाया था, तो इसी को जो है ना मैं सबसे पहले बॉईल होने के लिए रख दूंगी। मुझे ये डर लग रहा था कि कहीं ये ख़राब ना हो जाए, क्योंकि कल का दूध है, वैसे तो फ्रिज में रखा है बट फिर भी कभी कभी ना हो जाता है। तो दूध का रखा है एक साइड, और अब यहाँ पर मैं नाश्ते की तैयारी करने लगी थी तो मुझे ध्यान आया कि चलो वर्मी सेली बना लेते हैं। और मतलब मुझे अच्छी लगती है वर्मी सेली, इसलिए वीक में एक बार तो बनती ही है मेरे घर पर। तो यहाँ पर अभी जो है जार में थी नहीं, तो सबसे पहले तो मैं पैकेट को यहाँ पर खाली कर दी हूँ, और एक पैकेट और नया मंगाया था तो उसको भी जो है ना, क्योंकि पुराने वाले पैकेट से सिर्फ हाफ ही जो है फिल हुआ था मेरा जार, तो जो नया पैकेट मंगाया था ना उसको भी जो है ना मैं फिल कर दूंगी, लेकिन उससे पहले उसमें से जो है ना मैं अपने बनाने के लिए निकाल लूंगी। तो आज का नाश्ता बस यही होने वाला था, और बस आज का जो व्लॉग था वो भी यहीं तक था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा, एंड कमेंट ज़रूर किया कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट पढ़ने ना बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हंसते रहिए मुस्कुराते।